गांव में जन्मा एक साधारण बालक जो बना भारत के स्वर्णिम इतिहास का अध्याय। अपनी मेहनत और लगन के दम पर गांव की पगडंडी से राष्ट्रपति भवन तक एक सफर, एक मिसाल। ये कहानी है श्री रामनाथ कोविंद की। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और इस महान देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद हर भारतीय का गर्व, गौरव और अभिमान। भारत के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति। आई अनूप मिश्रा, द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2017, hereby declare that Sri Ramnath Kovind, Kanpur, Uttar Pradesh, has been duly elected to the office of the President of India. बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी, तेज बारिश के समय फूस की बनी छत पानी रोक नहीं पाती थी। आज देश में ऐसे कितने ही रामनाथ कोविंद होंगे जो इस समय बारिश में भीग रहे होंगे, कहीं खेती कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, शाम को भोजन मिल जाए इसके लिए पसीना बहा रहे होंगे। आज मुझे उनसे कहना है कि परों गाँव का रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर जा रहा है। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। श्री रामनाथ कोविंद, भारत के 14वें राष्ट्रपति। परौंख, उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर देहात का ये छोटा सा गांव कहां जानता था कि इसी गांव की गोद में पला बढ़ा एक साधारण सा बालक फूस के घर से राष्ट्रपति भवन तक के यादगार सफर की कहानी लिखेगा। परौंख की यही वो पाठशाला थी जहां बालक रामनाथ ने जिंदगी का पहला सबक सीखा। ये वो दौर था जब देश नया नया आजाद हुआ था। गांव, देहात, शहर सबने खुली हवा में सांस लेना शुरू किया था। बाबू के आंदोलन से हर तरफ देशभक्ति की लहर दौड़ रही थी। भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाएं नए सिरे से आकार ले रही थी। बाबा साहब अंबेडकर की अगुवाई में स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान तय कर लिया था। बदलाव के बयार तो सब महसूस कर रहे थे, पर ये कोई नहीं जानता था कि ये छोटा सा गांव भी इस बड़े बदलाव का हिस्सा बनेगा। इसी गांव का एक बालक एक दिन देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होगा और भारत के संविधान का सबसे बड़ा सिपाही बनेगा। खानपुर और नुनारी रियासतों के बीच बसा परौंख आजादी से पहले के किसी भी साधारण गांव जैसा ही पिछड़ा हुआ था।
महज एक कच्ची सड़क थी जिससे गांव पहुंचा जा सकता था। गांव में 4-5 घर अनुसूचित जाति के थे, उन्हीं में एक था श्री मैकुलाल और श्रीमती कलावती का परिवार। यहीं 1 अक्टूबर 1945 को उनके छोटे बेटे रामनाथ का जन्म हुआ। उस समय के सामाजिक भेदभाव के बावजूद गांव में मेल मिलाप और भाईचारा था। मैकुलाल जी छोटे खेतीहर थे और साथ ही उनकी छोटी सी परचून की दुकान थी। जीवन यापन के लिए इतना बहुत था। मां कलावती घरेलू महिला थी, पर सीमित आमदनी में घर चलाने का हुनर वो खूब जानती थी। मैकुलाल जी को आयुर्वेद का भी ज्ञान था, जिससे वो जरूरतमंदों का इलाज भी किया करते थे। उनके इस कौशल से गांव में सब उनका आदर करते थे और उन्हें मैकू बाबा कहकर बुलाते थे। उनके पिताजी थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्हें हम सब लोग बाबा बाबा कहा करते थे। मैकू बाबा, हमारे यहाँ मंदिर है देवी जी का, उस मंदिर के चबूतरे का निर्माण उन्होंने कराया। बहुत भक्त थे वो देवी के, शिव भक्त थे। ये जो आज हम लोगों को दिन देखने को मिल रहा है, ये सब आदरणीय उनके पिताजी का आशीर्वाद है। जिंदगी की गाड़ी अभावों के कारण धीमी जरूर चल रही थी, पर उसमें संतोष का भरपूर ईंधन था। पर तभी एक हादसा हुआ। रामनाथ के फूस का घर आग से जलकर राख हो गया। मां कलावती की धुएं में दम घुटने से मृत्यु हो गई। उस हादसे को याद करते हुए रामनाथ के बड़े भाई आज भी भावुक हो जाते हैं। जैसे वो आग थी, वो फिर उसके कुछ निकालने के लिए कुछ अंदर तिदवारी में गई कमरे में और वहाँ निकालने लगी। तब तक फिर ये है, ऊपर की जो छत थी वो डाल दी, वो छत के नीचे दब गई, तो धुएं में और छत के नीचे मिट्टी में दब गई और फिर वो मर गई, वो नहीं रही। हाँ, तो उनका सिर्फ वो आग जो है सिर्फ जैसे उन्हीं के लिए लगी थी, यानी जैसे वो मौत हो गई। फिर इसके बाद में रामनाथ, इनकी कोई ज़्यादा नहीं थी उस समय, हम भी कोई 6-7 साल के थे, कोई 7-8 साल के कोई ज़्यादा नहीं थे, ये भी कोई कम उम्र के थे। हाँ, तो माता जी तो फिर कहीं नहीं क्या, वो तो वही एक ही थी। जिस वक्त माँ गुजरी, उस वक्त रामनाथ करीब 5 साल के थे। उन्हें कोई संभालने वाला नहीं था। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े संघर्षों से ऐसा रिश्ता बना कि फिर लंबे समय तक नहीं टूटा। लेकिन रामनाथ का हौसला नहीं टूटा। संघर्ष की इन्हीं पथरीली राहों पर राहत भले पलों की तरह उन्हें वो साथी भी मिलते रहे, जिनके साथ से जीने की नई राह निकलती चली गई। परोंख में स्कूल की पढ़ाई महज 5वीं तक थी। आगे की पढ़ाई के लिए गांव से 6 किलोमीटर दूर खानपुर रियासत जाना होता था। रामनाथ का दाखिला उसी स्कूल में करा दिया गया। परोंख से खानपुर रियासत तक जाने आने का रास्ता रामनाथ को रोज पैदल ही तय करना पड़ता था। गरीबी के कारण उनके पास चप्पल जूते भी नहीं थे। गर्मी के दिनों में पैर जलने लगते थे, लिहाजा 6 किलोमीटर का ये रास्ता वो तेज दौड़कर तय किया करते थे। स्कूल में रामनाथ का शुमार एक होनहार छात्र के रूप में होने लगा। मैकुलाल जी ने रामनाथ की प्रतिभा को पहचाना और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें किसी बड़े शहर में भेजने का फैसला किया। अपने इस सपने के लिए उनके पिता ने धन का अभाव आड़े नहीं आने दिया, लिहाजा आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथ कानपुर आ गए। कानपुर का BNSD इंटर कॉलेज, यही रामनाथ का 9वीं क्लास में दाखिला कराया गया। आर्थिक तंगी के कारण रामनाथ हॉस्टल या कहीं और नहीं ठहर सकते थे, लिहाजा वो कानपुर में अपनी 2 बड़ी बहनों के पास रहने लगे। बहन के पति लाल इमली मिल में काम करते थे। रामनाथ ने चुन्नीगंज में लाल इमली सेटलमेंट में बने इन्हीं घरों में रहकर आगे की पढ़ाई की। कानपुर में रहते हुए शाम को गंगा घाट पर प्रवचन सुनने जाना रामनाथ की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। हम लोग मकरावटगंज में रहा करते थे। उस समय ये गांव से पढ़ने आए हुए थे। उस समय मैं 6 में पढ़ता था, तो उस मामा जी का मुझे इतना ध्यान है कि एक संत हुआ करते थे पथिक जी, तो ये गंगा छवि घाट पे कानपुर में उनका प्रवचन होता था।
तो शाम को वो जब प्रवचन सुनने जाते थे तो हमें भी साथ ले लेते थे और कहते थे रामशंकर ये प्रवचन जरूर सुनना चाहिए, ये जीवन में बहुत कुछ निर्धारित दिशा देती है आपको। कॉलेज में छात्रों को नेशनल कैडेट कोर के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। देशभक्ति, एकता और अनुशासन से भरे रामनाथ एनसीसी से जुड़ गए। परोक से आए रामनाथ के पास महज दो जोड़ी कपड़े ही हुआ करते थे। एनसीसी ज्वाइन करते ही उन्हें ट्रेनिंग के लिए दो जोड़ी ड्रेस और जूते भी मिल गए। अब रामनाथ अक्सर एनसीसी यूनिफॉर्म में ही कॉलेज जाने लगे। हाल ही में ऐसा दिन भी आया जिसने हर किसी को जज्बाती कर दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद श्री रामनाथ कोविंद अपने स्कूल गए, अपने गुरुजनों से मिले, उन्हें सम्मानित किया, उनके पांव छुए। महामहिम राष्ट्रपति का अपने गुरुओं के लिए सम्मान और श्रद्धा का भाव एक अनूठी मिसाल बना। 12वीं के बाद रामनाथ ने बीकॉम करने का फैसला किया और कानपुर के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। रामनाथ पढ़ाई में तो तेज थे ही, अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति से भी उन्हें आगे की पढ़ाई में सहयोग मिला। बीकॉम के बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज में कानून की पढ़ाई की। कानून की डिग्री के बाद रामनाथ ने सिविल सेवा परीक्षा देने का फैसला किया और दिल्ली चले आए। उन्हें इस बात का एहसास बराबर रहा कि उनके इस सपने के लिए उनके पिता को अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा है, लिहाजा सिविल सेवा परीक्षा के लिए रामनाथ ने दिल्ली में रहकर जी तोड़ मेहनत की। इसी समय उनके एक परिचित ने उन्हें मुरारजी देसाई से मिलवाया। मुरारजी देसाई ने रामनाथ की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। इन दिनों मुरारजी देसाई का निवास 5 ड्यूप्ले रोड हुआ करता था। रामनाथ वहीं रहने लगे। मुरारजी देसाई के साथ रामनाथ को नए जीवन अनुभव हुए। रामनाथ कोविंद आज भी अपने जीवन की सादगी और गांधीवादी विचारों की पाठशाला मुरारजी देसाई को ही मानते हैं। फिर वो यादगार दिन भी आया जब उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। रामनाथ सिविल सेवा परीक्षा में सफल हो गए पर उन्हें अपने भविष्य की बेहतर संभावना वकालत में दिखाई दी और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का फैसला किया। 30 मई 1974 एक नई जिंदगी जिंदगी से जुड़ी जब उनका विवाह सविता जी से हुआ। सविता जी बताती हैं कि रामनाथ जी से उनकी पहली मुलाकात कोली समाज के एक कार्यक्रम में हुई थी। हमारी एक कोली समाज की संस्था है, उसमें हमारा परिवार जाया करता था, समाज सेवा में जुटे हुए थे सब लोग। उसमें कोविंद जी भी आते थे। उनका ये कोली समाज से जो प्रेम भाव मैंने देखा, उसको देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुई। मेरे बड़े भाई कैप्टन बलवीर कुमार कोली ने उनसे बहुत हिम्मत जुटा के कोविंद जी से बात की शादी की और प्रस्ताव रखा, शादी का प्रस्ताव रखा। फिर उसके बाद कोविंद जी का हमारे परिवार में और हमारे परिवार का उनके परिवार में आना जाना शुरू हुआ। मैं कोविंद जी से जब भी मिली, उनको देखा, उनको परिवार में, उनका विनम्र भाव मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इससे बहुत इम्प्रेस हुई कि कितने सादगी भरे इंसान हैं। सविता जी से शादी के बाद रामनाथ की जिंदगी थोड़ी और पटरी पर आई। वकालत जारी रही पर एक बात थी जो रामनाथ को बराबर खटक रही थी। वकालत के शुरुआती दिनों में एडवोकेट रामनाथ ने देखा कि समाज की मजलूम और गरीब महिलाएं कानूनी जानकारी और धन के अभाव में न्याय से वंचित हैं। लिहाजा उन्होंने ऐसे तमाम जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सलाह देने का फैसला किया, उनके मुकदमे मुफ्त लड़ने का निश्चय किया। इसी दौरान रामनाथ उस समय के जाने माने एडवोकेट और पूर्व कानून मंत्री एके सेन के संपर्क में आए और थोड़े ही समय में रामनाथ ने वकालत में अपनी एक खास जगह बना ली। दिल्ली हाईकोर्ट में रामनाथ की वकालत समाज में हाशिए पर खड़े लोगों को दी गई मुफ्त कानूनी सहायता के लिए
आज भी जानी जाती है। साल 1978, जब रामनाथ कोविंद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का इम्तिहान पास कर इनरोल हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का फैसला किया। बाद में वो केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल भी बने और फिर 1980 से 1993 तक सुप्रीम कोर्ट की वकालत में मसरूफ रहे। एडवोकेट अनिल सोनी बताते हैं कि रामनाथ जी को कोर्ट में सुनना ऐसा होता था जैसे कोई विनम्र व्यक्ति पूरे आदर और इत्मीनान से अपनी बात कह रहा हो। 86 और 87 के बीच में जब पहली दफ़ा मैं सुप्रीम कोर्ट गया देखने, उस टाइम तो केस नहीं था मेरे पास, लेकिन जब कोर्ट में गया तो मैंने कोविंद जी को आर्ग्यूमेंट करते हुए देखा और बड़े सॉफ्ट स्पोकन और बड़े फर्मली अपने व्यू पॉइंट कोर्ट में रख रहे थे। और जब उन्होंने अपनी बहस ख़त्म करी तो कोर्ट ने कहा कि यस यू हैव टॉट अस लॉ टुडे एंड वी वुड हैव एक्सीडेड आवर ज्यूरिसडिक्शन हैड यू नॉट टॉट अस। तो मुझे बड़ा इम्प्रेसिव लगा कि ये शख्स कौन है। साल 1991, सुप्रीम कोर्ट में वकालत की मसरूफियत के बावजूद उनका अपने गांव परौंख और कानपुर देहात से जुड़ाव बराबर बना रहा। उनकी कानूनी समझ, ईमानदार छवि और जमीनी जुड़ाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 1991 में घाटमपुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाने का फैसला किया। यही वो साल था जहां से रामनाथ कोविंद का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। हमको उस चुनाव का प्रभारी बनाया गया। संयोग ऐसा था कि न तो वो इसके पहले कभी चुनाव लड़े थे और न हमने कभी चुनाव लड़ाया था। दोनों एक तरह से अनाड़ी थे चुनाव की दृष्टि से, पर इतने सरल थे कि जिस समय उनकी प्रत्याशिता घोषित हुई और ये चर्चा की गई कि भाई इसमें चुनाव में व्यय होता है तो कैसे क्या करेंगे, तो उनके पास जो पूंजी थी लगभग 3 लाख रुपए, उन्होंने सब उठा करके हमारे हम लोगों के बीच में रख दी। कहने लगी ये हमारे पास है और यही हम कर सकते हैं। अच्छी बात ये थी कि जहाँ हम लोग जाते थे लोग वोट दें चाहे न दें, लेकिन एक बात सब जगह एक टिप्पणी होती थी, वो कहते थे प्रत्याशी बहुत अच्छा है। घाटमपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र थे। इनमें से 4 में रामनाथ कोविंद को बढ़त हासिल थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रभाव वाले एक विधानसभा क्षेत्र में रामनाथ पिछड़ गए और उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जिंदगी में कभी ना हार मानने वाले रामनाथ कोविंद ने जन सरोकार से जुड़ी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को बनाए रखा और वो अपनी पूरी संकल्प शक्ति के साथ समाज सेवा में डटे रहे। सामाजिक और राजनीतिक मसरूफियत के बावजूद रामनाथ कोविंद ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। उनकी इन खूबियों को गिनाते हुए सविता जी कहती हैं, कोविंद जी घर के काम काज करने में हमेशा तैयार रहते थे। जैसे मैं कहीं बाहर गई हूँ, बाजार गई हूँ, तो पीछे से बच्चों की देखभाल कर लेते थे और खाना भी बनाने का अगर नौबत आए तो बच्चों को भूखे नहीं रहना पड़ता था। एक तरफ खुद का परिवार और दूसरी तरफ समाज। रामनाथ के राजनीतिक सामाजिक सरोकार के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया। 1994 में वो पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। राज्यसभा में वो पूरे 2 कार्यकाल तक सदस्य रहे। अपनी 12 साल की राज्यसभा सदस्यता के दौरान वो कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। बतौर राज्यसभा सांसद संसद में अपनी बात बहुत शालीनता और प्रभावी ढंग से कहने के लिए रामनाथ कोविंद को आज भी याद किया जाता है। वो संसद में बहुत ही शालीनता से लेकिन प्रभावी रूप से अपनी बात रखते थे और जो बात देश के वंचित समाज के विषय आते हैं इनके लिए तो बोलते ही थे, लेकिन बाकी देश की समसामयिक परिस्थितियों पर भी वो बहुत ही प्रभावी रूप से अपनी बात कहते थे। और मुझे याद है कि जब भी राज्यसभा में वो अपनी बात कहते थे तो पूरा सदन बहुत ही शांति से उनको सुनता था। साल 2004 में SC/ST आरक्षण पर अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के बीच सद्भाव पर जो जरूरी बातें रामनाथ कोविंद ने कही
उन्हें राज्यसभा में भरपूर समर्थन मिला। आरक्षण की कभी कभी बात ही आ जाती है, कभी कभी जो समाज से स्वर फूटते हैं उनको लगता है कि शायद ये बहुत, मैं भी मानता हूं, और एक बार मैंने इसी सदन में ये बात कही थी कि लेट अस कम अक्रॉस द टेबल, कि जिसको कहा गया था कि संविधान की जब शुरुआत हुई तो 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया। मैडम वो 10 वर्षों का एक पॉलिटिकल एक्सटेंशन था रिजर्वेशन का, जो कि लोकसभा विधानसभाओं और नगर पालिकाओं वगैरह में मिला हुआ है, और वो बढ़ता बढ़ता अभी चला गया। जो आरक्षण सेवाओं में है, नौकरियों में है आरक्षण, उसकी किसी भी प्रकार के मियाद नहीं है। लेकिन लोगों को लगता है, इसमें कभी कभी भ्रम हो जाता है कि ये 10 साल का बढ़ा, 20 साल का बढ़ा, लेकिन जो प्रतिशत आरक्षण का प्रतिशत मिलना चाहिए था, जो बेसिक एक तय किया गया था, कि पूरा नहीं हो पाया। आखिर इसमें दोष किसका है? जो लोग मांग रहे हैं उनका दोष है या जो लोग देने वाले हैं उनका दोष है? लेकिन एक सामूहिक जिम्मेदारी को लेकर के यदि देश आगे बढ़े, सरकार इनिशिएटिव ले, तो मुझे लगता है कि वो केवल निजी क्षेत्र की आरक्षण की बात नहीं है, बल्कि इसको एक नए सिरे से सोचना चाहिए कि ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन है अथवा ये जो 30 करोड़ की जनसंख्या है उसको हाउ टू ब्रिंग दैट पार विदर्स, समस्या वहां पर है। साल 1997 में SC/ST कर्मचारियों के लिए 5 आदेश लाए गए। ये आदेश कर्मचारियों के सेवा नियमों, वरिष्ठता और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े थे, लेकिन ये आदेश कर्मचारियों को पसंद नहीं आए। इसके खिलाफ SC/ST कर्मचारियों का जबरदस्त आंदोलन हुआ। तत्कालीन सरकार के कर्मचारी विरोधी इन आदेशों का भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया। सांसद रामनाथ कोविंद ने इस आंदोलन की सड़क से संसद तक अगुवाई की। परिणाम स्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में संविधान का 81वां, 82वां और 85वां संशोधन पारित कर इन आदेशों को रद्द कर दिया गया। सांसद रामनाथ कोविंद के राजनीतिक जीवन की ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये DOPT ने 97 में 5 ऐसे ऑफिस मेमोरेंडम थे जो निकाले थे, उनको उनकी वापसी वाला जो पूरा प्रोसेस है उसमें रामनाथ कोविंद साहब जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, तब वो MP होते थे, उन्होंने बहुत अहम भूमिका अदा की, और उनकी उनके संघर्ष की वजह से या उनके प्रयास की वजह से ही वो ऑफिस मेमोरेंडम वापस हो सके, और बाद में उन्होंने जो मेहनत की उसकी वजह से ही 3 अमेंडमेंट हुए। राज्यसभा के अपने 12 साल के कार्यकाल में रामनाथ कोविंद ने संसदीय दल के सदस्य के तौर पर कई देशों का दौरा किया। इनमें सबसे चर्चित दौरा साल 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ का था, जहां उन्होंने संसदीय दल की अगुवाई करते हुए संयुक्त राष्ट्र में बाल अधिकार के विशेष सत्र की रिपोर्ट पर अपने विचार रखे। रामनाथ कोविंद को अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर पहचाना जाने लगा था। पार्टी ने उन्हें कई खास जिम्मेदारियां सौंपी। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे। साथ ही उन्होंने लंबे समय तक कोली समाज का नेतृत्व किया। अब पार्टी की ओर से राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के चुनाव प्रचार में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तय की जाने लगी। साल 2015, श्री रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। अपने कार्यकाल के दौरान रामनाथ कोविंद ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्तियों को पारदर्शी बनाया। राज्यपाल रामनाथ कोविंद का कार्यकाल बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ये वो समय था जब बतौर राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल पूरा होने वाला था। देश को अपने नए राष्ट्रपति की तलाश थी। तभी एक दिन पटना राजभवन में राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद के लिए दिल्ली से फोन आया। उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार बनाए जाने की सूचना दी गई। राष्ट्रपति पद के चुनाव में NDA के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है।
सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होना अपने आप में इस बात का प्रमाण था कि अब श्री रामनाथ कोविंद ही भारत के 14वें राष्ट्रपति होंगे। बावजूद इसके, रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले सभी दलों से समर्थन का आग्रह किया। मेरा हमेशा प्रयास होगा और मेरी मान्यता भी है कि राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होना चाहिए। एनडीए के सभी घटक दलों ने मेरा समर्थन किया है, इसके अतिरिक्त भी कुछ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। इन सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उनके विरुद्ध यूपीए की ओर से महिला प्रत्याशी श्रीमती मीरा कुमार थी। इस चुनाव में रामनाथ कोविंद जी ने श्रीमती मीरा कुमार को भारी अंतर से हराया। उन्हें 65.65% मत मिले और वो भारत के 14वें राष्ट्रपति घोषित किए गए। श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद की सर्वोच्च परंपरा और गरिमा का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया। सामाजिक और संवैधानिक दायित्वों के लिए नए प्रतिमान गढ़े। उनके कार्यकाल में देश में 5 गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुए। साल 2018 की परेड में राजपथ उन भावुक पलों का गवाह भी बना जब देश के एक वीर सपूत को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान करते हुए राष्ट्रपति की आंखें नम हो गईं। कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला की पत्नी श्रीमती सुषमा नंद, साथ में है उनकी माता जी। साल 2022 आजादी के अमृत महोत्सव की परेड तब यादगार बन गई जब बीएसएफ के सीमा वाहिनी के नारी शक्ति प्रदर्शन ने राजपथ को अपने पूरे जोश से भर दिया। इसी परेड में राष्ट्रपति के अंगरक्षक बेड़े में शामिल खास घोड़ा विराट भी सेवानिवृत्त हुआ। इसी दौरान राष्ट्रपति भवन कई भव्य राज्य समारोहों का गवाह भी बना जिनकी यादें हमेशा ताजा रहेंगी। साल 2019 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अपने कार्यकाल में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अपने हाथों भारत के 500 विशिष्ट नागरिकों को उनके व्यक्तिगत गुणों के सम्मानार्थ पद्मश्री प्रदान किए। 66 गणमान्य नागरिकों को पद्म भूषण से नवाजा। 25 बेहद खास भारतीयों को पद्म विभूषण से अलंकृत किया। श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से अलंकृत किया। तो वहीं श्री नानाजी देशमुख और श्री भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। विस्तार है पार प्रजा तुम पार करे आकार निःशब्द सदा ओ गंगा बहती हो क्यों। इसी कड़ी में पहली बार ऐसा हुआ कि नंगे पांव चलने वाले भारत के उन जमीनी नागरिकों को भी पद्म पुरस्कार से अलंकृत करने राष्ट्रपति भवन बुलाया गया।
जिन्होंने अपना सारा जीवन जन कल्याण और देश सेवा में समर्पित कर दिया। राष्ट्रपति भवन उन उदार क्षणों का साक्षी भी बना जब राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अपने प्रोटोकॉल से बाहर आकर पद्म पुरस्कार पाने वालों को व्यक्तिगत आदर दिया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया। विंग कमांडर वर्धमान अभिनंदन को वीर चक्र दिया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जैसे कितने ही गौरवशाली अवसर आए जब राष्ट्रपति भवन का ये सभागार गर्व से गूंजता रहा। आई दीपक मिश्रा। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति रहे जिनके कार्यकाल में चार मुख्य न्यायाधीशों ने शपथ ली। आई मूतलपाटी वेंकट रमणा, टू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। अन्य देशों से भारत के संबंध को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की भूमिका हमेशा याद की जाएगी। उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन ने अनेक राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी की, जिनमें भूटान नरेश और उनका परिवार, आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खास हैं। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के विदेशी दौरों से दुनिया भर में हमारे देश की ओर से विश्व शांति और भाईचारे का पैगाम पहुंचा और अन्य देशों से भारत के संबंधों में मजबूती आई। इसी कड़ी में उनका सुरीनाम दौरा खास रहा जब इतिहास में पहली बार दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक साथ योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदेशी दौरों में 12 से अधिक देश तो ऐसे हैं जहां पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति ने यात्रा की। उनका पूरा कार्यकाल भारतीय सांप्रदायिक सौहार्द की बेहतरीन मिसाल बना। सर्वधर्म संभाव की भारतीय परंपरा के तहत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरे मन और समर्पण से सभी धर्म स्थलों में अपनी आस्था जाहिर की। पदभार ग्रहण के फौरन बाद ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फैसला लिया कि वो राष्ट्रपति भवन परिसर में बने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में खुद उपस्थित होकर सभी त्योहारों में शामिल होंगे। अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व के राज्यों का दौरा किया और आम देशवासियों से मुलाकात की। समय समय पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया।
सेना के सर्वोच्च कमांडर के तौर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने देश के अलग अलग हिस्सों में सेना के तीन अंगों का निरीक्षण किया और उनकी कार्य प्रणाली को करीब से जाना। राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन भी गए और जवानों से मिले। सियाचिन जाने वाले वो देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। उनसे पहले 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने सियाचिन का दौरा किया था। शिक्षा के प्रति राष्ट्रपति का खास लगाव रहा। यही कारण था कि स्कूली छात्रों से लेकर उच्च शिक्षण स्थानों के छात्रों तक उनका संवाद बराबर बना रहा। एंड इट इज आल्सो ए स्पेशल डे फॉर मी सिंस आई मीट एंड इंटरैक्ट विद चिल्ड्रन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष के तौर पर राष्ट्रपति ने समय समय पर उनके कुलपतियों से मुलाकात की और देश की उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने में अपने मेहनीय सुझाव दिए। My warm wishes to you for your successful tenure in India। जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने देश के सामने बड़ी चुनौती ला खड़ी की, तब राष्ट्रपति भवन ने इस संकट से निपटने के सार्थक प्रयास किए। पहली बार 7 देशों के नव नियुक्त राजदूतों या हाई कमिश्नर की ओर से राष्ट्रपति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिचय पत्र सौंपे गए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भी कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की ओर से उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ और कोरोना प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद ने भी अपना योगदान दिया और खुद मास्क बनाए, जिन्हें दिल्ली के शेल्टर होम्स में भेजा गया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का मानना रहा है कि राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय या आवास भर ही नहीं, बल्कि ये देशवासियों का है। लिहाजा उन्होंने देश के आम नागरिकों को राष्ट्रपति भवन आने और उसे देखने का निमंत्रण दिया। मुझे आपके गांव में आकर के बहुत खुशी और राष्ट्रपति भवन जहां पर मेरा आवास है, मेरा कार्यालय है, उस राष्ट्रपति भवन पर देश के हर नागरिक का भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा अधिकार। इसलिए मैं आमंत्रित भी करता हूं कि जब कभी मौका मिले तो राष्ट्रपति भवन जो कि देश की धरोहर है उसको एक बार देखिए। राष्ट्रपति बनने के बाद श्री रामनाथ कोविंद ने पहली बार कानपुर देहात का दौरा और ट्रेन से यात्रा करने का फैसला किया। इस तरह वो उन स्थानों पर रुके और लोगों से मिल सके जहां उन्होंने अपने संघर्ष के शुरुआती दिन बिताए थे। परौंख गांव का माहौल उस समय जज्बाती हो गया जब राष्ट्रपति ने अपने जन्म स्थान की माटी को मस्तक पर लगाकर नमन किया। सारा का सारा गांव अपने लाडले रामनाथ के स्वागत में उमड़ पड़ा। राष्ट्रपति गांव में उन सभी जगहों पर गए जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। परौंख की पगडंडियां तब एक बार फिर अपने भाग्य पर इतराने लगी जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के गांव पहुंचे। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जब देश के किसी राष्ट्रपति की जन्मभूमि पर मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने परौंख के संस्कारों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी प्रणाम किया। साथियों, परौंख की मिट्टी से राष्ट्रपति जी को जो संस्कार मिले हैं
उसकी साक्षी आज दुनिया बन रही है। और मैं आज देख रहा था कि एक तरफ संविधान, दूसरी तरफ संस्कार, और आज गांव में राष्ट्रपति जी ने मुझे आज हैरान कर दिया। वे स्वयं हेलीपैड पर रिसीव करने आए, मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मैंने कहा, राष्ट्रपति जी आपने मेरे साथ अन्याय कर दिया आज। तो उन्होंने सहज रूप से कहा कि संविधान की मर्यादाओं का पालन तो मैं करता हूं, लेकिन कभी कभी संस्कार की भी अपनी ताकत होती है। आज आप मेरे गांव में आए हैं, मैं यहां पर अतिथि का सत्कार करने के लिए आया हूं। अतिथि देवो भव के संस्कार भारत में किस प्रकार से हमारी रगों में पहुंचे हैं, उसका उत्तम उदाहरण आज राष्ट्रपति जी ने प्रस्तुत किया। मैं राष्ट्रपति जी को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने के बावजूद श्री रामनाथ कोविंद का जीवन बेहद अनुशासित और सादगी भरा रहा। जब भी उनसे मिलिए तो लगता है कि सादगी और विनम्रता खुद रूबरू है। अनुभवों को जानिए तो महसूस होता है कि जैसे पूरा विश्वविद्यालय आपसे मुखातिब है। जमीनी संघर्ष और तजुर्बे में तपी शख्सियत ऐसी कि जैसे हमारे हताश मन को हौसला देते हुए वो कह रहे हों, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, मत समझना पिछड़ गया तू, कारवां से बिछड़ गया तू, तू अकेला ही कारवां बन जा, ठान ले दिल में सोचता क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, आंधियों के विरुद्ध चलने का ये समय है, समय बदलने का, तू चलेगा तो चल पड़ेंगे सब, अपने कदमों को रोकता क्या है, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है।